हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। जब आपके पर्सन आपको मिले तब उनके लाइफ में क्या चल रहा था, और ये जब आपके साथ रिलेशनशिप में आए तो इनकी सोच आपको लेकर क्या थी। आज की घड़ी में आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं और उनके लाइफ में सच में क्या चल रहा है और ये आपको लेकर क्या सोचते हैं। आपको लेकर आपके पर्सन की राय आज की घड़ी में क्या है, और इस रिलेशनशिप में आने के बाद आपके पर्सन के एनर्जी में, एटीट्यूड में क्या चेंजेस हुए हैं, क्या बदलाव हुआ है आपसे मिलने के बाद और आपके साथ रिलेशनशिप होने के बाद। ये जो सफ़र था, यहाँ पे काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आप दोनों के रिलेशनशिप में आए होंगे, तो ऐसे में आपके पर्सन की वो क्या मैसेजेस थे, उनका क्या सोचना था, क्या थाट्स थे जो इन्होंने आपको अब तक नहीं बताए, बट ये कहना चाहते हैं या फिर कभी कह नहीं पाएंगे, अपने मन में रखेंगे। तो हम इतना डीप आज आपके पर्सन के माइंड में और जर्नी में जाएंगे। ये जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, इसको आपको जेंडर कलेक्टिव रीडिंग जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। मोर क्लियरिटी के लिए आप किसी से भी अपने लिए पर्सनल कंसल्टेशन बुक करवा सकते हो। तो चलिए, आज मुझे खुद भी नहीं पता, मैंने डेक तो ले लिए है क्योंकि मुझे लगा कि मुझे इतनी ऐसे ही डेक लगेंगे आज जहाँ से मुझे मैसेज आ सकते हैं क्लियर कट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग के ऊपर। हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल राफेल, प्लीज़ हमसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं तो उनसे जब उनके पर्सन मिले तब उनके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा था। अब हो सकता है किसी किसी के पर्सन ने सच में इनके लाइफ में जो चल रहा हो वो बात आपको बताई होगी, किसी किसी के पर्सन ने मैनिपुलेट किया होगा। तो हमें इस रीडिंग से पता चल जाएगा कि जब ये आपसे मिले तब इनके लाइफ में क्या चल रहा था। तो हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल राफेल, प्लीज़ हमारी मदद कीजिएगा और हमें क्लियर क्लियर गाइडेंस दीजिएगा। थैंक यू। पावर क्या चल रहा था इनके पर्सन के लाइफ में जब वो मेरे व्यूअर्स से मिले थे, क्या चल रहा था मेरे दर्शकों के पर्सन के लाइफ में जब वो मेरे दर्शकों से मिले थे। जी, बंड चल रहा था इनके लाइफ में। ठीक तो नहीं चल रहा था लाइफ से, इनकी ब्यूटी ही गायब थी। जी, इनके लाइफ में ठीक तो कुछ भी नहीं चल रहा था उस वक्त जब ये आपसे मिले थे। अब भूखा भेड़िया तो नहीं बोलूंगी देखने के बाद, बट इनके लाइफ में काफी कमी आती, चीज़ें बहुत सारी डार्क थी, हिडन थी, सीक्रेटिव थी और ये अनजान थे। इनके लाइफ में कुछ ऐसे लोग जुड़े थे जो लोमड़ी की तरह थे, इनको पता नहीं था ये लोग उनको नोच नोच कर खा रहे थे। ये आपके पसंद शायद अकेले ही ऐसे हो चुके थे कि इनको अपनी खुद की स्ट्रेंथ इकट्ठी करना भी इनके लिए काफ़ी चैलेंज था। इनको लाइफ ब्यूटीफुल है ऐसा बताया गया था, ऐसा जताया गया था, बट वास्तव में ब्यूटी के पीछे सब खाने वाले भेड़िए ही आपके पर्सन के लाइफ में थे। चीज़ें कुछ भी क्लियर नहीं थी और आपके पर्सन के माइंड के ऊपर जैसे किसी ने इस तरीके से परत चढ़ा दी थी कि आपके पर्सन कुछ सही सोच नहीं पाते थे, मीन्स इनकी सोच किसी ने कंट्रोल कर ली थी। आपके पर्सन अक्सर अकेले रहकर सोचने की कोशिश करते थे कि इनको अपनी लाइफ पीछे कैसी क्रिएटिव बनानी है। जब ये आपसे मिले शायद तब आपके पर्सन को पहली बार कोई अट्रैक्शन फील हुआ होगा जो इन्होंने किसी के लिए, इनके लिए किसी को लेकर नहीं हुआ था। डार्कनेस इनके लाइफ में, बहुत नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी थी। हो सकता है आपके पर्सन इसी लाइफ से ज़्यादा अट्रैक्टेड थे,
क्योंकि वो अक्सर उन लोगों के साथ रहते थे और शायद उनको ये चताया गया था, ये बताया गया था लाइफ जीने का यही मतलब है, लाइफ जीना इसी का नाम है। बहुत ही निगेटिव मेंटेलिटी में आपके पर्सन रहे होंगे या फिर इनके सराउंडिंग की चीज़ें। ग्रैटिट्यूड ये चीज़ें आपके पर्सन आपसे मिलने के बाद सीखे होंगे। रियलाइजेशन, आपके पर्सन को कुछ भी रियलाइजेशन नहीं था लाइफ की सही सही चीज़ों के बारे में। जब आपके पर्सन आपको मिले थे तब शायद इनकी कंसेप्ट लाइफ को लेकर, एंजॉयमेंट को लेकर, लाइफ जीने की जो कंसेप्ट है, जो संकल्पना है, उसको लेकर बहुत अलग थी, आपकी कुछ अलग। आपकी ओर से जो जाती है फीलिंग एक इमोशनल ट्रू अनकंडीशन लव की, और आपके पर्सन के ऐसे कि खाओ पियो मौज मस्ती करो, इमोशन का क्या लेना देना, इमोशन जो रखते हैं वो शायद बेवकूफ़ लोग होते हैं ऐसा कुछ। क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा निगेटिव टॉक्सिक लोगों के बीच थे। और फिर भी इसे भी क्लेरिफाई करेंगे, प्लीज़ क्लेरिफाई रेजिस्टेंस। आपके पर्सन शायद अकेले थे और इनको बहुत इस एनर्जी में रहा होगा कि अकेले थे और सारे लोग इनके खिलाफ थे। एम्प्रेस, एक अच्छी पोजीशन पे आपके पर्सन थे। देखिए अगर अबंडेंस वाइज देखे तो आपके पर्सन के लाइफ में किस बात की कोई कमी नहीं थी। ये ऑलरेडी मैरिड थे और सक्सेसफुल पर्सन थे अपने लाइफ में, किसी चीज़ की इनके पास कोई कमी नहीं थी। प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी थी आपके पर्सन के लाइफ में। मटेरियल सुख में बोलूँ तो आपके पर्सन के लाइफ में काफ़ी था, बट आपके पर्सन सिर्फ मटेरियलिस्टिक थे, जिसको हम घोर कार्मिक भी बोल सकते हैं। जैसे कि सत्ता जमाई थी आपके पर्सन ने, पावर जमाई थी जब आपको मिले। हंगर को बताइएगा, या तो इनके माता जी का पूरा कंट्रोल था इनके ऊपर। बहुत ही टॉक्सिक फैमिली में थे। हो सकता है किसी किसी के पर्सन अगर सिंगल है, मैरिड नहीं है, तो शायद इनके ऐसे शौक रहे हैं, मीन्स वो गलत शौक, वन नाइट स्टैंड वाले शौक आपके पर्सन के रहे हैं। एक सदर्न फैमिली से थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो किसी किसी के पर्सन के ये भी शौक रहे होंगे। और किसी किसी के पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, जो स्पाउस है, वो काफ़ी टॉक्सिक है, काफ़ी नार्सिसिस्टिक है, कार्मिक है। खाना पीना मज़े करना, बस इतनी ही उन्होंने अपनी दुनिया सजाई थी और आपके पर्सन को भी इसी दुनिया में रहे थे। या फिर आपके पर्सन के लाइफ में जितने भी फैमिली ऑर्डर पर्सन है, वो मैंने जैसे बोला कि एक बेड़ी की तरह किसी की ज्वाइंट फैमिली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और आपके पर्सन के हाथ में शायद पावर है, या फिर आपके पर्सन के लाइफ में कोई ऐसी फीमेल है पावरफुल जिसके हाथ में सब पावर है। बेटे सब के सब लोग बहुत ही गलत है। ब्यूटी, आपके पर्सन के शौक रहे ना रात में घूमना फिरना मजे करना। ब्यूटी को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे फोर ऑफ सोर्स एंड पेज ऑफ पेंटेकल टेन ऑफ पैंट्स। आपके पर्सन के लाइफ में किसी की ये स्टोरी मुझे दिख रही है कि जो इनकी फीमेल स्पाउस किसी की रही होंगी, तो बस इनको इनके शौक रहे होंगे फ्रेंड्स में जाना, पार्टी करना, रात रात तक बाहर रहना, ऐसा कुछ। जो सुख आपके पर्सन फैमिली से ढूंढ रहे थे वो इनको मिल नहीं रहा था। जितने भी लोग थे वो अपने अपने ही चीज़ों में व्यस्त थे, अपने अपने ही एन्जॉयमेंट में, अपने अपने एंटरटेनमेंट में, अपने अपने मस्ती में व्यस्त थे। अब इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, इनके बच्चे हो सकते हैं, इनके सिबलिंग्स हो सकते हैं। आपके पर्सन बहुत अकेले रहते थे, लोगों को दिखने के लिए इनके लाइफ तो काफ़ी ब्यूटीफुल लगती थी, गधों की तरह आपके पर्सन को दिखाम किए जा रहे थे, बट इनको वहाँ पे कुछ भी स्वस्थ या फिर हेल्दी लेस नहीं था। बीमार थे आपके पर्सन, सो नहीं पाते थे, बस काम करना और सोना, यही शायद आपके पर्सन की लाइफ थी। बहुत हार्ड वर्क करते थे आपके पर्सन। अब यहाँ पे 29, 25, 10, 39, 44, 40, 23 ये किसी की एज हो सकती है, या फिर इस एज में आपके पर्सन आपको मिले होंगे। एंड 7, 11 ये कौन सा नंबर है, 20 मीन्स 2, 7, 11, 2, 1
ट्वेल्व एट फोर फाइव थ्री, ये किसी के डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। टेन को क्लियरफाई कीजिए यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेंट को इस हर्मिट आइसोलेशन मोड में थे आपके पर्सन, अपने लाइफ में अपने लोगों के साथ बड़े आइसोलेशन मोड में थे। इनके लाइफ में ऑप्शंस थे, अब इनके फैमिली हो शायद होंगी, सिबलिंग्स होंगे, सब कुछ होगा इनके लाइफ में, बट ये पर्सन अपने आप में काफ़ी अकेले थे। क्रिएशन को प्रेरफा कीजिए। हाँ जी, मायूस से आपके पर्सन अपने आप को काफ़ी सिचुएशन में घिरा हुआ, स्टक हुआ हुआ, ऐसे आपके पर्सन फील करते थे। बहुत नेगेटिव थॉट्स से आपके पर्सन हमेशा आइसोलेटेड रहते थे, विक्टिम मेंटेलिटी में आपके पर्सन रहते थे। एक इमोशनल सपोर्ट आपके पर्सन ढूंढते थे, बट इनको वो नहीं मिला। बहुत ही ग्रजेस में, अकेले ही, स्ट्रेस में, अपने आप में ही ये पर्सन बड़े मायूस रहते थे। निराशाजनक स्थिति आपके पर्सन की रही होंगी, सोचते होंगे आपके पर्सन पता नहीं किसके लिए मैं कर रहा हूँ। अट्रैक्शन बताइए एंजल, क्वीन ऑफ पेंटेकल, जस्टिस, किंग ऑफ पेंट। सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन था इनके लाइफ में, अगर कोई पार्टनर था, सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन था। फिजिकल अट्रैक्शन आपके पर्सन की ओर से, पार्टनर की ओर से, फाइनेंशियल नीड, शायद इनकी कोर्ट मैरिज रही होंगी, या फिर आपके पर्सन जब आपको मिले तो इनका डिवोर्स हुआ होगा किसी और से, या फिर डिवोर्स केस चल रही होंगी। डार्कनेस को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ पैंट्स एंड हाई प्रिस्टेस। किसी किसी के पर्सन सॉरी टू से रेड अलर्ट एरिया में भी शायद जाती होंगे रात के समय सिक्रेटिवली, फिजिकल नीड के लिए पैसे देकर। इस चीज को लेकर हो सकता है किसी के ऊपर कोर्ट केस भी चली हो। सिक्रेटिव थे आपके पास है। ग्रेटिट्यूड बताइएगा। जो पर्सन इनसे कनेक्ट हुआ ना, तो उस पर्सन के एजेंडे को बहुत ज़्यादा गलत है। जी हाँ, डेविल की बात आ गई, मैं वही बात बोलने वाली थी। डार्कनेस विथ हाई प्रिस्टेस आया था, तो जिससे आपके पर्सन अट्रैक्ट हो गए, कनेक्शन में चले गए, कोर्ट मैरिज कर ली, बाद में पता चली कि ये तो कहाँ फंस गए। जिनके साथ जुड़े हैं वो तो बहुत ही अलग है, नेगेटिव एनर्जी वाले पर्सन है। शायद इन लोगों ने आपके पर्सन को या तो कोई गलत आदत लगा दी, या तो आपके पर्सन किसी ऐसे लोगों में अंदर फंस गए जहाँ से आपके पर्सन समझ गए कि वहाँ से निकलना मुश्किल है। तो आपके पर्सन ने अगर आपको अपनी लाइफ कुछ ऐसी बताई होगी तो उन्होंने सच्ची बताया होगा। यहाँ पे अगर बात बोलो रियलाइजेशन के बाद आपके पर्सन समझ गए कि अब ये ऐसे रिश्ते में फंस गए जहाँ से इनका निकलना नामुमकिन है। बहुत डिप्रेशन में थे आपके पर्सन, होपलेसनेस आपके पर्सन को फील होती थी, बहुत ड्रामा चल रहे थे आपके पर्सन के। आपके पर्सन सो नहीं पाते थे, नाइटमेयर होते थे, चिंता खाई जा रही थी आपके पर्सन को। एनेक्सिटी के शिकार थे आपके पर्सन जब भी आपसे मिले। आपको मिलने के बाद ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे थे? जब आप आपके पर्सन को मिले तभी आपके बारे में क्या सोच रहे थे? हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाइल, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, जब मेरे दर्शक इनको मिले तो ये क्या सोच रहे थे इनको लेकर?
ये आपको एक भरोसेमंद अपना पार्टनर समझने लग गए थे। आपके पर्सन अपने लाइफ से फेड अप हो चुके थे। आपके पर्सन को सुसाइडल वाले थॉट आते थे, खुद को ख़त्म कर देने वाले थॉट आ रहे थे, क्योंकि इनको रास्ता नहीं निकल दिख रहा था उनको इस सिचुएशन को कैसे डील करना है और उस सिचुएशन से कैसे निकलना है। ऐसे में आप ही आपके पर्सन के लिए किसी भरोसेमंद पार्टनर की तरह मिले। हाँ, आपके पर्सन आपको इसे समझने लगे जैसे कि यूनिवर्स ने एज ए गिफ्ट के तौर पर यूनिवर्स ने आपको भेजा है उनके लाइफ में। आपके पर आप भी आपका भी नेचर काफ़ी प्लीजिंग रहा हो, आपने बहुत ख्याल रखा हो इनका, आपके पर्सन का। तो जब आपके पर्सन कैसे लगने लगा कि इस लाइफ के इस डिफ़िकल्ट सफ़र में आप उनके लिए वो पर्सन बने जो यूनिवर्स ने उनको गिफ्ट के तौर पर दिया है, आप वो भरोसेमंद पार्टनर है, आपके साथ वो अपने लाइफ के हर सुख दुख बता सकते हैं। आपने आपके पर्सन के लिए हमेशा सर्विस दिए, मीन्स जब भी आपके पर्सन को नीड रही है आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहे हैं। किसी किसी ने फाइनेंशियल हेल्प तक आपके पर्सन को करी है, तो आपने कभी इनको किसी बात के लिए ना नहीं बोला, चाहे बात इमोशनल सपोर्ट की हो, चाहे बात इकोनॉमिकल सपोर्ट की हो, या फिर चाहे बात फिजिकल सपोर्ट की हो। आपके पर्सन ने आपके साथ जी, आप वो पर्सन थे ना, आप मिस स्कॉलर जी, आप तो बहुत मैच्योर पर्सन है, आप बहुत एक बिल्कुल स्ट्रांग पर्सन है। अपने बात पे अड़े रहने वाले, मीन्स एक बार आपने जो बोल दिया बोल दिया, एक बार आपने जो ठान लिया ठान लिया, ऐसे पर्सन है। बट आप सबकी केयर करने वाले, सबसे डरने वाले हैं, किसी को बुरा ना लगे इस बात का ख्याल रखने वाले आप पर्सन है। जितने स्ट्रांग है, जितने डेडिकेटेड है, उतने ही आप लोगों की परवाह करने वाले पर्सन है, ट्रस्ट वर्दी पर्सन है। तो जैसा एक पार्टनर आपके पर्सन अपनी लाइफ का सुख दुख बांटने के लिए देख रहे थे ना, आप बिल्कुल वैसे थे। आपके पर्सन आपको अपना वाइफ मटेरियल मानते थे, भले ही कहीं और शादीशुदा थे, बट ये आपको अपना वाइफ मटेरियल मानते थे। जब भी आपके पर्सन आपके साथ मिलते थे, अपने लाइफ को काफ़ी जॉय जॉयफुलनेस में देखते थे। ये पर्सन अपने लाइफ को काफ़ी इंजॉय करते थे जब भी ये आपके साथ मिलते थे। यस, आप एक साइज गर्ल हो, मीन्स आपने कभी आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप के लिए कोई अटकलें नहीं डाली, मीन्स आपने कोई सौदा नहीं किया, ये करना है वो करना है, कुछ एक्सपेक्टेशन आपने रखी होगी बट वो ना के बराबर। ऐसा आपके पर्सन जब आप इनके साथ मिले तो इस तरीके से आपके पर्सन आपके बारे में सोचते थे। अब मैं देखती हूँ कि ये पर्सन अब आपके बारे में क्या सोचते हैं। हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए और मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो इनके पर्सन अब जब रिलेशनशिप में मेरे दर्शक आ चुके हैं और लंबा समय झेल चुके हैं, इस वक्त वो मेरे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं उनको, प्लीज़ बताइए। आप अगर ये देखकर चलते हैं ना गाइस कि उनका तो फैमिली का, अगर कहीं और मैरिड है तो उनकी फैमिली के साथ बड़ा अच्छे से जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है, हर बार वो बात सच नहीं होती। हैव द करेज टू बी फ्री। आपको काफ़ी करेजफुल पर्सन मानते हैं। डिफिकल्ट पाथ इज बीइंग रिवील्ड, फॉलो द पाथ ऑफ योर सोल। आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो, अपने लाइफ को अपने पाथ को फॉलो करते हैं। लाइफ में कितने भी डिफ़िकल्ट पाथ क्यों ना आते हो, आप डरते नहीं हैं। हालांकि चीज़ें आपके सामने रिवील हो चुकी है, बड़े स्ट्रांगली बड़े करेज के साथ अपने लाइफ में आप आगे जा रहे हैं। डेफिनेटली आपको स्पिरिचुअल पर्सन है, ये किसी फेमिनिन की एनर्जी लग रही है। अवेकन द मैजिक ऑफ योर क्रिएटिविटी,
किसी ने अपनी स्पिरिचुअल पावर से अपने अंदर वो मैजिकल एनर्जी बना ली है। आप इतनी क्रिएटिव बन चुके हैं कि जैसे चाहे वैसे आप अपने लाइफ अब एंजॉय या फिर एंजॉय नहीं सक्सेसफुल बना सकते। लाइव प्ले फुली विथ ए लाइट हार्ट। जी हाँ, अपनी लाइफ को आप काफ़ी आसानी से लेना सीख गए हैं। एंटर द टेम्पल ऑफ योर ट्रूथ। आप या तो सच्चाई का सामना करना सीख गए हैं या तो आपके पर्सन ही आपको बोल रहे अभी भी आप सच्चाई से दूर भाग रहे हैं, तो आपको सच्चाई का सामना करना चाहिए। क्रॉस द ब्रिज ऑफ हैप्पीनेस। और आपने अपने लाइफ की हैप्पीनेस की ब्रिज पार कर ली है। आपकी लाइफ अगर सक्सेसफुल है इस वक्त तो ये आपकी खुद के दम पर है। आपके पर्सन देख रहे हैं आपके अंदर ये बदलाव, आपके पर्सन ऐसे ही आपके बारे में सोच रहे हैं। हम मोर ज़्यादा क्लैरिटी के लिए और ज़्यादा मैसेज के लिए हम इनको क्लैरिफाई करेंगे। जी एंजल प्लीज़ बताइए मुझे, हैव द करेज टू बी फ्री को क्लैरिफाई कीजिए। टावर मोमेंट। आपके लाइफ में बहुत बड़े बड़े टावर मोमेंट आए हैं। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ब्रेकअप होना, बड़े बड़े टावर मोमेंट आना, इसमें खुद आपके पर्सन ने भी किया हुआ आपके साथ ब्रेकअप है। किसी किसी के पर्सन ने दिल तोड़ने वाली बात, टावर मोमेंट वाली बात आपके साथ करी है। आपके पर्सन ये सोचते हैं आपके बारे में कि अब आप इतने करेजफुल हो गए, इतने स्ट्रांग हो गए हैं, इतने आप एम्बिशियस हो गए हैं कि आप अपने लाइफ में हुआ हुआ हर नुकसान, जितना भी लॉस हुआ हो, उसको आप भर देंगे। डिजास्टर स्टे के बाद जिस तरीके से आप खड़े होते हो, तो आपके पर्सन आपकी इस करेज से भली भांति परिचित है। लाइफ में कितना भी बड़ा ट्रॉमा क्यों ना है, लाइफ में कितना बड़ा चैलेंज क्यों ना है, आप हर सिचुएशन से निपटने के लिए समर्थ है, सक्षम है। डिफिकल्ट पाथ इज बीइंग रिफिल्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एंजल काफ़ी हार्ड वर्क करें, आप काफ़ी हार्ड वर्क करें, स्किल है आप में और एम्बिशियस में, बार बार मैं देख पा रही हूँ आप में बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है। पाथ कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, मैं उसको पार करती रहूँगी। आप जितने जितने इतने ट्रावर को झेले हैं, तो उसके लिए पाथ डिफ़िकल्ट पाथ क्या चीज़ है। स्लो बट स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे आपने अपने अंदर इतने बदलाव लाए, बट आपने सक्सेसफुली किया अपने अंदर का बदलाव। फॉलो द पाथ ऑफ योर सोल। शायद यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे लोगों ने रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया है, क्योंकि आपके पर्सन ने भी आपके साथ कुछ ना कुछ धोखाधड़ी की है। भले आपने इनके लाइफ के डिफ़िकल्ट समय में संभाला है, इनके लाइफ का हिस्सा बने हैं, इनको हर तरीके से आपने सपोर्ट किया है, बट मैंने बीच का लिया नहीं कि इन्होंने बीच में आपके साथ क्या किया। बट इतना समझ पा रही हूँ कि किसी किसी के लाइफ ट्रॉमेटिक रही है, आपने बड़ी हिम्मत के साथ खुद को संभाला है और आप किसी किसी ने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया है। बट आपके पर्सन आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि इनको आपको अब जस्टिस देना है। भले आपने मूव ऑन कर लिया है, क्योंकि आपकी कुछ अवेकनिंग हुई है, आप स्पिरिचुअलिटी का पाथ फॉलो करने लग गए और स्पिरिचुअल पाथ को आप फॉलो करने के बाद जिस पावरफुल एनर्जी में आप आ चुके हैं, उसके बाद रिलेशनशिप ब्रेकअप, हार्ट ब्रेक, चीटिंग, ये चीज़ें शायद आपके लिए आम हो गई है। जब आप अपने स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आ गए, खुद की लाइफ को जस्टिस देना मेरा खुद का ही काम है, इस पावर में मिस क्रिएटर बन गए आप खुद की लाइफ के, उसके बाद आपके पर्सन आपके लिए जस्टिस देना चाहते हैं, आपके लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं। यू कास्ट अ स्पेल विद योर एग्जिस्टेंस। जी मैजिक फ्लोज ब्राइटली। जी हाँ, जिस तरीके से आपने अपनी लाइफ को मैजिकल बना दी ना, तो देखिए पार्टनरशिप भी आ गई। ये पर्सन बहुत जल्द आपसे रिकनसाइल होना चाहते हैं, रीयूनियन हो चाहते हैं। सेल्फ लव के एनर्जी में आप आ गए। जब आप सेल्फ लव में आते हैं ना, स्पिरिचुअली ग्रो होकर, तो आपका ऑरा इतना मैग्नेटिक, इतना पावरफुल हो जाता है ना, तो बंदा कितना भी गया गुजरा क्यों ना हो, वो मिलता ज़रूर है, वो भी माफ़ी के साथ। ऐसे आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे, अब इनको आपके साथ रिश्ते को आगे लेके जाना है, आपके साथ इनको पार्टनरशिप बढ़ानी है।
बिकॉज आप जैसा पर्सन हर किसी को नहीं मिलता, ऐसा ये सोचते हैं। एट ऑफ हैंड्स, जी हाँ, सक्सेसफुल है। लाइफ में जलने वाले लोग बहुत है, झगड़े करने वाले लोग बहुत है, सबको आप अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी स्किल से, अपनी विजडम से, अपने पावर से डील करते हो, सबको अपने अपनी जगह पे आप बैठा देते हो। लाइफ का हर टेंशन आपने इसी पावरफुल एनर्जी के साथ क्या किया है, बैलेंस किया है। लाइव प्लेफुली विथ अ लाइट हार्ट, जी स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे हुआ है काफ़ी। यहाँ पे इंट्यूशन, जी नाइन ऑफ पेंटेकल भाई सिर्फ स्पिरिचुअल पावर नहीं है, यहाँ पे कोई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गया, कोई मेंटर हो गया, स्पिरिचुअल गुरु हो गया, यहाँ पे कोई गाइड कर रहा है, यहाँ पे कोई पावर बढ़ा ली है अपने किसी ने। मेंटर है आप, लोग आपको फॉलो करते हैं, अपनी लाइफ को आपने इतना आप इंडिपेंडेंट एनर्जी में आ गए, सेल्फ लव एनर्जी में आ गए, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी में आप आ चुके हैं ना। और जैसे जैसे आपके पर्सन आपको देखते हैं ना, पहले आप इस एनर्जी में थे, विक्टिम मेंटालिटी में थे, मेरे साथ क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसे किया, फिर एक बार आपने देखा कि यार मैं इतना रो रही हूँ, इतना धो रही हूँ, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो मैं क्यों रो, व्हाई शुड आई वेस्ट माई एनर्जी। तो जैसे आप में ये सवाल आ गया, वैसे आपने फिर मुझे बैलेंस कैसे होना है, हाउ टू हील माई सेल्फ, हाउ टू हील मी, इस तरीके से आपने जवाब ढूंढने शुरू कर दिए। अब किसी ने किसी हीलर से अपने आप को हील कर लिया, किसी ने खुद को खुद से हील कर लिया, मुझे जिस तरीके से भी आपने खुद को हील कर दिया, आप ऐसे पावर में आ गए कि आपको ये बातें बहुत आम और बिल्कुल ही नॉर्मल लगने लगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पर्सनल की एनर्जी से। और ऐसे करते करते ऐसे एनर्जी में आ गए कि आप मेंटोर बन गए लोगों के, लोग आपसे सलाह लेने के लिए आ गए, क्योंकि आप शायद इतने फेमस हो गए। और जब आपके पर्सन अब आपको ऐसे एनर्जी में देख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जब आपको छोड़ा था, आपसे ब्रेकअप किया था, शायद उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इतने पावरफुल पर्सन हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब आप इनको उस चीज़ को लेकर क्या हो रहा है, आप इनको गिल्ट हो रहा है, ये सॉरी फील कर रहे हैं आपको लेकर, क्योंकि जब आपके पर्सन ने आपको एनर्जी दी थी उसके बाद आपने मेडिटेशन का काफ़ी सहारा लिया था, स्पिरिचुअल पाथ आपने फॉलो किया था, एंटर द टेंपल ऑफ योर ट्रूथ, आप चले गए हैं भाई मन के मंदिर में, आप चले गए क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आप अपने स्ट्रेंथ में आ गए। अगेन करेज, अपना स्टार्ट ही करेज से हुआ था, एंड भी स्ट्रेंथ एंड करेज से हुआ है। आपके पर्सन आपको काफ़ी साहसी, धाड़सी, करेजफुल, पावरफुल, स्ट्रांग पर्सन मानते हैं, और कि कौन है ये आपके ट्विन है, तो या फिर ये पर्सन आपको मैरिज मटेरियल मानते हैं, ये पर्सन अब आपसे शादी करना चाहते हैं, इनको लगता है कि इनके लाइफ की जो हैप्पीनेस है ये आपके साथ शादी करने के बाद ही इनको ये घर मिलने वाला है, जहाँ पे इनका इनको वो हैप्पीनेस मिलने वाला है, उसके लिए इनको ये ब्रिज क्रॉस करके आपके साथ आना पड़ेगा। 42 तो ये आपकी एज हो सकती है। तो ये हो गई आपके पर्सन के आज के घड़ी में आपको लेकर क्या सोच रहे और उनका क्या एक्शन है रहेगा। बदलाव क्या आया है आपके पर्सन के एनर्जी में, कुछ बदलाव आया है, आया है तो क्या आया है, आर्कएंजल माइकल है, आर्कएंजल रफाइल प्लीज आइए, उससे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वो देख रहे हैं, तो इनके पर्सन के लाइफ में उनको लेकर क्या बदलाव आया है, इसके बाद एक सवाल मेरे मन में फिर से आ रहा है। आपके पर्सन प्यूरिफिकेशन चीज़ को बड़े अच्छे से समझ गए, प्यूरिटी को,
सक्सेस से परिचित हो गए, आपके पर्सन काफ़ी सक्सेसफुल हो गए, आपके पर्सन एक्सेप्टेंस के मोड में आ गए। पहले आपके पर्सन एक्सेप्ट नहीं करते थे, आपके पर्सन सच बोलना सीख गए हैं, आपके पर्सन काफ़ी फ्लेक्सिबल हो गए हैं और आपके पर्सन लाइफ की ब्यूटी को एंजॉय कर रहे हैं। लीडरशिप क्वालिटी आपके पर्सन के अंदर आ गई है। प्यूरिटी, अगेन प्यूरिटी दो बार आए गए, आपके पर्सन प्यूरिटी से सच में परिचित हो गए आपसे जुड़ने के बाद। रिन्यूअल, आपके पर्सन के अंदर बदलाव बहुत आए हैं, चेंज तो बहुत आया है, मीन्स आपके प्यार ने आपके पर्सन को ये सारी चीज़ें सिखा दी है। हो सकता है आपके पर्सन ने दोबारा शुरुआत करी है। अब मैं इसी डेक के ऊपर ना एक एनर्जी निकाल रही हूँ, क्या ये जो बदलाव आया है, मेरे जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं इनको लेकर है, और इस बदल अगर ये बदलाव मेरे दर्शकों को लेकर है तो ये इनके पर्सन है वो मेरे दर्शकों के साथ रिलेशनशिप को कैसे रखेंगे आगे चलकर। हाँ जी, बदलाव आप ही को लेकर आया है, ये पर्सन आपसे टू अनकंडीशनल प्यार करने लग गए हैं। इन्होंने अभी आपके साथ गलत बहुत किया था, बट ये पर्सन इस बात के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। कुछ मेंटल इलनेस के आपके पर्सन शिकार अभी भी है, कंफ्यूज माइंडसेट में है आपके पर्सन, और क्रॉस रोड पे थे, कोई चीज़ आपके पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अभी भी कुछ नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जी आपके पर्सन से कनेक्टेड है। अगेन यहाँ पे डेविल विथ हाई प्रिस्टेस से, या तो आपके प्यार ने इनको तो बहुत कुछ सिखा दिया है बट जड़ के अंदर या तो कोई नेगेटिव एनर्जी अभी भी है, तो उसका सामना आपके पर्सन को करना ज़रूरी है। मीन्स इनमें बदलाव आया है पूरी तरीके से नहीं, इनकी हीलिंग हुई है बट पूरी तरीके से नहीं, इसीलिए आपके पर्सन बीच बीच में आपको इतना क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं। तो ये आपके पर्सन आपको इस जब तक इस नेगेटिव एनर्जी के इफेक्ट में रहेंगे, ये कोल्ड शोल्डर की एनर्जी देते रहेंगे, और ये कोई लेडी है आपके पर्सन के ऊपर ये बार बार एविलाई देने वाली या फिर इनका माइंड कंट्रोल करने वाली, वो शिकारण सम्मोन कोई तंत्रा मैजिक करते हुए दिख रही है। अभी भी थोड़ा ईगो वाला नेचर आपके पर्सन के अंदर है, भले आपके पर्सन आपको लेकर प्यार फील करते हैं, ये पर्सन एक्शन भी लेना चाहते हैं, बट इनके अंदर से जो नेगेटिव एनर्जी ना, डेविल एनर्जी जो आपके मिलने से पहले आपके पर्सन से स्टक है, उसको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर हो सकता है कोई मैरिड कपल देख रहा है, तो आपके साथ रिलेशनशिप होने के बावजूद आपके पर्सन शायद किसी ऐसे ही नेगेटिव पर्सन के संपर्क में आ गए थे। आपके पर्सन अभी भी हील नहीं हुए, रियलाइज़ हुए हैं, तो बदलाव इनमें आ गया है। जो चीज़ें आप इनको समझाना चाहते थे ये समझ गए, पर शायद अभी तक डील करना सीखे नहीं है। चीटिंग की एनर्जी अभी भी आपके पर्सन के अंदर है, अभी किसकी एनर्जी आई है आई डोंट नो, बट ये एनर्जी आई है। अब देखते हैं नाइन ऑफ सोर्स, किंग ऑफ कप का वेरीफाई कीजिए। हाँ जी, किंग ऑफ कप का, क्वीन ऑफ कप, प्यार ये आपके साथ बहुत करते हैं पर्सन, ये तो मैं बोलूँगी। अभी सेवन ऑफ सोर्स हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप जिनका चल रहा है उनकी एनर्जी लगती है कि किसी को धोखा देकर ये आपके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर रहे हैं। जी, नाइन ऑफ सोर्स, जी देखिए अगेन वही कप की एनर्जी आ रही है गाइस, अब मिस करते हैं, इन्होंने आपको इतना प्यार किया और इन्होंने आपके साथ कैसे किया, इनको इस बात का गिल्ट है, रिग्रेट करते हैं आपके पर्सन। तो ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए। जी हाँ, क्रॉस रोड पर खड़े थे बट आपके पर्सन अब सेल्फ लव में आ चुके हैं, प्लानिंग कर रहे हैं आपके पर्सन, हार्डवर्क कर रहे हैं आपके साथ, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके पर्सन निभाना चाहते हैं, अपने सेल्फ लव की एनर्जी में आ चुके हैं। और डेविल, इनकी फैमिली बड़ी टॉक्सिक है गाइस, और इसके बावजूद ये पर्सन एक आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, निगेटिव एनर्जी से शायद निकल गए हैं या फिर निकल जाएंगे जल्दी, आप इनकी हेल्प कर सकते हैं, बट ये पर्सन आपके साथ एक फैमिली बनाते हुए मुझे दिख रहे, इन्होंने सोच लिया है, इनको पता है इसके लिए इनको बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, बट ये अगर ये स्टार्ट आपके साथ नहीं कर पाते फिर, क्योंकि कुछ टाइम है आपके लिए, वेट करना पड़ेगा भाई। 5 और 4 की एनर्जी आ रही है, या तो हो सकता है 5 मंथ या फिर किसी के लिए 5 ईयर 4 ईयर, अगर इनकी ऑलरेडी मैरिड है वो भी स्टेबल, तो वहाँ से निकलते निकलते, या फिर किसी के लिए 2 महीने या फिर 2 साल। एम्परर की एनर्जी क्यों है इंजर, इस वक्त आपके पर्सन रिग्रेट में बहुत ज़्यादा है,
और ये सो नहीं पा रहे, इनके हेल्थ इश्यू बहुत चल रहे, ये टाइम लगाएंगे गाइस, हार्ड वर्क तो लेंगे आपके पास, सोच समझ कर डिसीजन लेंगे। नाइट ऑफ हैंड्स को वेरीफाई कर रहा है क्वीन ऑफ हैंड्स, तब तक चुप तो नहीं बैठेंगे, आपके टूवर्ड्स कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, रिलेशनशिप को तो कंटिन्यू रखेंगे ये पर्सन। हर्मेट मोड, फिलहाल टेम्पररी सेपरेशन चल रहा है आप दोनों में, हर्मेट मोड फैमिली में ये पर्सन अपने आप को वहाँ पर काफ़ी अकेला फील करते हैं, ये पर्सन वहाँ से निकलना चाहते हैं, वहाँ से आना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स। पेंटाकल को, क्वीन ऑफ पेंटाकल को वेरीफाई कीजिए, फोर ऑफ पेंटाकल, लेट गो नहीं करेंगे जी हाँ, इस रिलेशनशिप को लेकर ही किसी से ये पर्सन चीटिंग करेंगे, झूठ बोलकर आपके साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाएंगे ये पर्सन। इनको रहा नहीं जा रहा आपके बिना, इन्होंने रखा तो था रिलेशनशिप सिर्फ एक अपने फिजिकल एक्सपेरिमेंट के लिए, बट अब शायद इनकी एनर्जी वो लव में कन्वर्ट हो गई है, अनकंडीशनल लव में। अब इनका या तो वो नेचर भी था, वो एटीट्यूड भी था कि जस्ट एक एक्सप्लोर करेंगे छोड़ देंगे, और उसके उनका एटीट्यूड भी काफ़ी इगोइस्टिक था, एम्परर की एनर्जी में थी, बट आपने उनका एम्परर इनका डेविड सबकी शायद वाट लगा दी है और पूरा उनको किंग ऑफ कप की एनर्जी में ला के खड़ा कर दिया आपने। ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाएगा, प्यार में होती है गाइस जितनी ताकत होती है प्यार में, आप अगर सच्चा प्यार करते हैं ना तो होता है ऐसा। ऐसे कौन से मैसेज है जो आपके पर्सन आपको कभी बोल नहीं पाते हैं बट ये अंदर ही अंदर आपको लेकर रखते हैं? क्या कहें जो माइकल, अब ना हमें इनके दिल की वो सारे मैसेज जानने जो इनकी जिन जहाँ पर इनकी गलती जो कुछ भी इन्होंने किया है, प्यार गलतियाँ सब कुछ हमें इस मैसेज थ्रू बताइएगा। रिग्रेट क्या बोला था मैंने, रिग्रेट है इनको, ये बताएंगे नहीं कभी, कभी नहीं बताएंगे, बट मैं हूँ नहीं ना नहीं, ये ट्विन फ्लेम है गाइस, कोई ये अपने आप को आपके साथ ही कंप्लीट मानते हैं गाइस, घोस्ट कर रहे हैं। हाँ जी, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, मैंने बोला ना टेम्पररी सेपरेशन चल रहा है, कुछ बात इनको पता चली है, विश फुलफिलमेंट मानते, घोस्ट किया है बट आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं, बातें करें अनकंडीशनल लव, व्हाट आई से, आपने इनका डेविल इनका एम्परर सबको एक बोरी में बांध कर फेंक दिया है, अब ये आगे अनकंडीशनल लव है, ऐसा नहीं है तो ऐसा होगा क्या है? स्केयर्ड ये डर रहे हैं क्या आप बैठे, क्वीन ऑफ सोर्स आपकी एनर्जी आ रही ना बार बार आपको बोले ठंडा ठंडा कोल कोल, बड़ा पीस फील करते हैं आपके पास है, ब्लैक मैजिक के शिकार है गाइस, यहाँ पे क्लियर कट मैसेज है, ये जानबूझकर नहीं कर रहे बिकॉज ही इज अंडर ब्लैक मैजिक इफेक्ट है चीज़ें, उनके आसपास के लोग ऐसे कुछ कर रहे हैं, इन्होंने ब्लेम किया था, इस बात का रिग्रेट आपके पर्सन को हो रहा है। अब कितना भी ब्लैक मैजिक करे भाई, डिवाइन ने भी बता दिया है कनेक्शन क्या है और क्या है मैसेज। सरप्राइज, ये आपको सरप्राइज देंगे आपके पर्सन, डोंट वरी, आपको ही अपना कंपेटेबल पार्टनर मानते हैं, वेडिंग रिंग दिख रही है मुझे, आपके पर्सन को आपके ऊपर आंख मूंद कर भरोसा है, ये आपके पर्सन के वो मैसेजेस थे जो आपको कभी बताएंगे नहीं, अब और ना और मैसेज लेंगे इसके ऊपर ही। अब मुझे ना ये हटाने का भी ये हो रहा है गाइस, कब से मैं रीडिंग डाल रही हूँ, हम बताएं और क्या मैसेज है उनके। एंजल, आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, इस बात का रिग्रेट हो रहा है, आपको ट्रीट अच्छे से नहीं किया, बताइए और क्या मैसेज है इनके। आई लेट यू बिफोर यू कुड लीव मी, जी हाँ डरते हैं रिजेक्शन से, डरते हैं आप इनको रिजेक्ट कर दे इसके पहले मैं खुद ही छोड़ देते हैं, फिर बाद में पता चलता है अरे कहीं दाल नहीं गलने वाली। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, ये बोलते हैं आपको कभी जताते हैं नहीं, घोस्ट करते हैं, ब्लॉक करते हैं, बट थिंक आपके बारे में करते हैं। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड, इनको लगता है आपने मूव ऑन कर लिया, इनको छोड़, क्या है और मैसेज। आई वॉन्ट यू, जी हाँ आपको चाहते, आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे, जी हाँ कैसे पर्सन है भाई, खुद ही करते हैं और क्या मैसेज।
सॉरी गाइस, वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। अच्छा जी, ये भी जानते हैं क्या, ये शायद एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप जिनका है, शायद उनके लिए मैसेज है। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। इन्होंने बोला है आपको गलत ट्रीट किया है, ऐसा कुछ बोला है जिससे आप काफ़ी हर्ट, और इनको भी पता है कि इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आई एम बिकम बेटर बेटर पर्सन। हीलिंग चल रही इनकी, अब तक हुई नहीं है। और क्या इनके मैसेज है प्लीज़ बताइएगा मुझे। बस गाइस, इसके बाद में एंड ही कर दूँगी। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। जी, इनको आपको बोलना है ये कैसे फील करते हैं। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। कुछ गुड न्यूज़ इनके लाइफ में चल रही है। और लास्ट वाला मैसेज है, आई लव यू। तो ये थे गाइज आपके पर्सन के मैसेज। रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।